अखिल भारतीय आईएमए के आह्वान पर आज पूरे देश में डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में विधेयक पारित करने और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को बंद करने के विरोध में आज देशव्यापी हड़ताल है, जिसको लेकर आज यमुनानगर की आईएमए भी हड़ताल में शामिल हुई। आज सरकार ने लोकसभा में एनएमसी विधेयक पास किया है। आज उस मुद्दे को लेके सारे देश में आईएमए की हड़ताल है। आईएमए शुरू से ही इस मुद्दे का विरोध करती रही है। आईएमए सरकार से कुछ क्लेरिफिकेशन मांगती रही है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि लोकसभा में मेजॉरिटी है सरकार की और वो मेजॉरिटी लाने वाले ही हम लोग हैं, डॉक्टरों ने सरकार का पुरजोर समर्थन किया है, लेकिन हमें अफसोस के साथ ये कहना पा रहा है कि सरकार हमारे मुद्दों को बिल्कुल सुन नहीं रही है, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। हमारे नेशनल लीडर को, पास्ट नेशनल लीडर को, जो वहाँ पे कल शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे परसों दिल्ली में, उनको अरेस्ट कर लिया गया। इस मामले में सरकार हमारी तरफ, हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। हम किसी रेगुलराइजेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम बिल के टोटली खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं जिनको सरकार एड्रेस नहीं कर रही है। उन सवालों में सबसे पहला सवाल ये है कि सरकार ने जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी सीटों के ऊपर फीस का कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इस बात में मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान में लाना चाहता हूँ कि MBBS करने की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो फीस हिंदुस्तान में है वो कम से कम 80 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक है, और ये दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा है। उसकी वजह से काफ़ी गरीब छात्र जो इतनी फीस नहीं दे सकते वो चाइना में चले जाते हैं, यूक्रेन में चले जाते हैं, इवन यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इसकी कीमत कम पड़ती है। रेगुलराइजेशन के बावजूद ये फीस थी, एक बार जब रेगुलराइजेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो ये कितनी महंगी हो जाएगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि सरकार इसको कंट्रोल करने के मूड में नहीं है। उस बात में हमारा सरकार पे ये एलिगेशन है कि काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो नेताओं द्वारा ओन्ड हैं, वो अलग अलग पार्टी के नेता हैं और ये सीधे तौर पे उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इसमें गरीब जनता का, गरीब छात्रों का कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार इस बारे में अपनी मंशा साफ करे कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जबकि बार बार आईएमए द्वारा ये पूछे जाने पर इसका कोई संतुष्टिजनक जवाब हमें नहीं मिल रहा है। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए बने रहिए यस टीवी के साथ।